हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वास्थ्य विभाग में यहाँ पर एक ड्राइवर के पद पर बहुत अच्छी वैकेंसी निकली हुई है। इसमें आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा, सीधा आपका सिलेक्शन होने वाला है। योग्यता आपने 10वीं पास कर रखा है, आप इसमें फॉर्म को डाल सकते हैं और सैलरी भी इसमें आपको ज़बरदस्त मिलने वाली है। तो संपूर्ण जानकारी देंगे कौन कौन लोग इसमें फॉर्म को भर सकते हैं, किस तरीके से आपको फॉर्म को भरना है। तो सबसे पहले आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर देख सकते हैं। चिकित्सा शिक्षा विभाग में ये वैकेंसी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी लास्ट डेट यहाँ पर देखिए 14/7/2024 इसकी लास्ट डेट है। इस डेट से पहले पहले आपको अपने फॉर्म को भरना है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, योग्यता आपने 10वीं पास कर रखा है, आप इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट के साथ आपने 10वीं पास किया है, आप इसमें फॉर्म को डाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, कार्य आपको क्या क्या करना पड़ेगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सेवा प्रदाता द्वारा बहुउद्देशीय सभी प्रकार के परिवहन संचालक संचालन प्रबंधन सेवाएं प्रदान की जाएंगी, आप यहां पर देख सकते हैं। ये सारी यहां पर जो भी लिखा है, ये आपको कार्य करना होगा। दोस्तों, आपको ड्राइविंग करनी आनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये ड्राइवर की वैकेंसी है। और महिला एंड पुरुष दोनों लोग इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो यहाँ पर देखिए, स्टार्टिंग में सैलरी आपको 16,119 रुपये स्टार्टिंग सैलरी मिलने वाली है। योग्यता दोस्तों, आपने 10वीं पास कर रखा है, आप फॉर्म को भर सकते हैं। उम्र सीमा आप यहां पर देखिए, 18 से 45 साल के सभी कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। और ये दोस्तों हरदोई, उत्तर प्रदेश के हरदोई डिस्ट्रिक्ट की ये वैकेंसी है। आपकी भी डिस्ट्रिक्ट की बहुत सारी वैकेंसियां निकलती रहती हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम आपको बताते हैं कि फॉर्म को किस तरीके से आपको भरना है। तो देखिए दोस्तों, फॉर्म को फिलअप करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। इसे ओपन कर लेने के बाद इसके सर्च बार में आपको लिखना है सेवा आयोजन, ये लिखकर आपको सर्च कर देना है। ये लिखकर जैसे आप सर्च करेंगे, आपके सामने वेबसाइट खुलेगी। आपको यहाँ पर 1-2 सेकंड तक वेट करना है। दोस्तों, जैसे आप सेवा आयोजन लिखकर सर्च करेंगे, आपके सामने यहाँ पर देखिए इस तरह की वेबसाइट खुलेगी। आपको नीचे की साइड थोड़ा स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको रोजगार संगम वाला ऑप्शन दिख रहा है, आपको इसी पर एक बार क्लिक कर देना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने फिर से एक नया डैशबोर्ड खुल जाएगा, आपको वेट करना है। तो देखिए दोस्तों, जैसे आप रोजगार संगम वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस होगा। अब आपको यहाँ पर देखिए, इस शेड को आपको यहाँ से हटा देना है। तो चलिए हम इस शेड को यहाँ से हटा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको एक ऑप्शन दिख रहा है जॉब सीकर, ये देखिए पहले नंबर पर ही जॉब सीकर, आपको इसी पर एक बार क्लिक कर देना है। तो चलिए दोस्तों, हम इस पर क्लिक कर देते हैं। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस होगा। दोस्तों, जैसे आप जॉब सीकर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर देखिए इस तरह का इंटरफेस होगा। अब आपको यहाँ पर, अगर आपने इसमें पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है, तो आप यहाँ पर देखिए जॉब सीकर साइन अप वाला ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों, आपको अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ये सारी डिटेल को यहाँ पर फिलअप करके आपका एक यूजर आईडी एंड पासवर्ड बन जाएगा। वही यूजर आईडी एंड पासवर्ड इसमें डालना है और आपको यहाँ पर सबमिट करना है। तो चलिए हम दोस्तों यहाँ पर यूजर आईडी एंड पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर देखिए इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। आपको यहाँ पर देखिए अपनी प्रोफाइल को पूर्ण भी करना होता है। आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो इसे पूर्ण करना होता है। व्यक्तिगत विवरण, संपर्क, शारीरिक, शैक्षिक, भाषा, अनुभव, कौशल, वरीयता, ये घोषणा, ये सारी डिटेल को यहाँ पर फिलअप करना होता है। जैसे हमने यहाँ पर फिलअप कर रखा है, इसी तरीके से यहाँ पर आपको अपनी सारी डिटेल को फिलअप करेंगे, तभी आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। अब इसमें दोस्तों, फॉर्म को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन दिख रहा है नौकरियों के लिए आवेदन करें, आपको इसी पर एक बार क्लिक कर देना है। तो चलिए दोस्तों, हम इस पर क्लिक कर देते हैं। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर दोस्तों बहुत सारी वैकेंसियाँ आपको दिख जाएंगी। 10th लेवल, 12th लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, कंप्यूटर दक्षता, जो भी वैकेंसी आपकी संविदा बेस पर चल रही है, वो सारी वैकेंसी यहाँ पर दिख जाएगी दोस्तों। अब दोस्तों, आपको यहाँ पर आप जिसमें भी फॉर्म डालना चाहें, जैसे 10th लेवल, 12th लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, तो आपको यहाँ पर शैक्षिक योग्यता वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और इसमें दोस्तों, अगर आप 10th लेवल की वैकेंसी में फॉर्म डालना चाहें, तो आपको यहाँ पर देखिए 10th को सिलेक्ट कर लेना है, यानी हाई स्कूल सेलेक्ट करने के बाद आपको खोजें वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है।
अब दोस्तों टेंथ लेवल की जो भी आपने सर्च किया, यहाँ पर टेंथ लेवल की सारी वैकेंसी यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगी। ये दोस्तों टेंथ लेवल की वैकेंसी है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वैकेंसी चल रही है, इसकी लास्ट डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं 2/7, और ये देखिए वैकेंसी चल रही है चिकित्सा शिक्षा विभाग में 14/7 जो हमने अभी आपको बताया है। बस आपको आवेदन करने के लिए क्या करना है, आपको आवेदन करें वाले सेक्शन पर क्लिक करना है, या दोस्तों आपको रिक्त विवरण वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, दो में से किसी पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। प्रोसेस दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, सभी वैकेंसी का सेम है, इसी तरीके से सभी वैकेंसी में फॉर्म डाल सकते हैं। अब दोस्तों जैसे आप रिक्त विवरण वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी। आपको क्या करना है, इसका अगर नोटिफिकेशन पूरा डाउनलोड करना चाहें तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आप इसमें फॉर्म भरना चाहें तो आवेदन करने वाले सेक्शन पर क्लिक करना है और आपका आवेदन हो जाएगा। देखिए दोस्तों आपके सामने इस तरह का नोटिफिकेशन आएगा, इस तरह का एक मैसेज आएगा, समझो आपका फॉर्म अप्लाई हो गया। देखिए दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं इस तरह का आपके सामने, यहां पर देखिए एप्लीकेशन सेव सक्सेसफुली इसी तरीके से आएगा, आप बस आपको ओके कर देना है। ये दोस्तों आपका फॉर्म भर गया। अब दोस्तों अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं ट्वेल्थ लेवल की वैकेंसी में, तो आपको यहां पर वापस जाएँ, देख रहा है, आपको इस पर एक बार क्लिक कर देना है, या दोस्तों आपको यहाँ पर समस्त नौकरी के लिए आवेदन करें, इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे, फिर दोस्तों यहाँ पर आपको ट्वेल्थ लेवल को सिलेक्ट करना है। अगर आप ट्वेल्थ लेवल की वैकेंसी में फॉर्म भरना चाहें कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पर देखिए शैक्षिक योग्यता वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपनी ट्वेल्थ लेवल को सिलेक्ट करना है। तो चलिए हम यहाँ पर ट्वेल्थ सिलेक्ट कर लेते हैं, और आपको खोजें वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फॉर्म सभी का सेम ही इसी तरीके से आपको भरना है, जैसे हमने आपको फॉर्म भर के दिखाया है, इसी तरीके से आप इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसकी जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी। जॉब प्रोफाइल दोस्तों आपको उत्तर प्रदेश के हरदोई डिस्ट्रिक्ट में आपकी ये वैकेंसी निकली हुई है। आपकी डिस्ट्रिक्ट की बहुत सारी वैकेंसियाँ निकलती हैं, तो इसीलिए तो कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपकी डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसी तभी आप लोगों को पता चलेगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो वैकेंसी आप लोगों को पता ही नहीं लगेगी। अब यहाँ पर फॉर्म कैसे अप्लाई करें, फॉर्म को अप्लाई करने के लिए दोस्तों कुछ नहीं करना होता है, बस आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना है, उसमें लिखना है sevayojan.up.gov.in। ये लिखकर जैसे आप सर्च करेंगे आपके सामने जो लिंक दिखेगी उस पर आपको क्लिक करना है, और उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे वहीं पर आपको एक गोल गोल सा ऑप्शन दिखेगा जॉब सीकर। जॉब सीकर वाले ऑप्शन पर आपको एक बार क्लिक करना है, और इसी में दोस्तों आएगा साइन अप एंड रजिस्ट्रेशन। फिर दोस्तों कुछ नहीं करना है, बस आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर देना है, अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, आधार नंबर, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, ये सारी डिटेल को यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। कोई ज़्यादा खास नहीं है, एक बार आपका डैशबोर्ड बन जाएगा। फिर वहीं पर दोस्तों आपको एक ऑप्शन दिखेगा समस्त नौकरी के लिए आवेदन करें, वहाँ पर क्लिक करना होता है, वहाँ पर ये वैकेंसी शो हो जाती है, बस आपको आवेदन करने वाले सेक्शन पर क्लिक करना होता है, आपका आवेदन हो जाता है। तो इस तरीके से इसका फॉर्म भर सकते हैं आप। दोस्तों लास्ट डेट की बात करें तो 14/7/2024 इसकी लास्ट डेट है, इस डेट से पहले आपको अपने फॉर्म को भर देना है। अगर आप लोगों को ये लगता है फेक है तो सबसे पहले आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों काफ़ी दोस्त यहाँ पर इसीलिए इसमें फॉर्म नहीं डालते, उन्हें लगता है ये फेक है। दोस्तों सेवा योजन पोर्टल पर जो संविदा के बेस पर आउटसोर्स के माध्यम से वैकेंसी निकली हुई है उसकी हम आपको अपडेट दे रहे हैं, आप इसका नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए, उस पर हम आपको ऐसी वैकेंसी रिलेटेड अपडेट PDF डालते रहते हैं। तो दोस्तों अगर आपका अब भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।